ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज माँ सरस्वती का बहुत बड़ा त्यौहार है और इसी उपलक्ष में आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जो कि कभी खाली नहीं जाता। यदि आप जानते हैं मंत्रों को किस प्रकार चलाया जाता है, मंत्रों में क्या सावधानियां रखी जाती हैं, तो ये मंत्र आपके लिए है। बरसों से इस मंत्र को मैंने संभाल के रखा हुआ है। इस मंत्र की सबसे विशेष बात तो ये है कि ये एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाता है। 3-4 अक्षरों का ये मंत्र है और जो भी इसे साधना चाहता है वो इसके प्रभाव अवश्य देखता है। अभी रात के 12 बजे हुए हैं और सुबह से जो है मैं श्वेतार्क गणपति बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि आज के दिन बनाए हुए श्वेतार्क गणपति बहुत ही प्रभावी होते हैं और ये जो भी हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, जो कि विद्या का पार पाना चाहते हैं कि कुछ ऐसी विद्याएं उनके पास आ जाएं कि इसके बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे, तो इस तरह की विद्याओं के लिए श्वेतार्क गणपति जो हैं बहुत सहायक होते हैं। ये विद्या में आने वाली हर उस विघ्न को हर लेते हैं जो कि किसी भी साधक को, किसी भी स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई भी बाधा जो है उनके बीच में नहीं आती, सारे हर्डल्स को वो दूर कर देते हैं। तो आज लगभग 20-25 मैंने बनाए हैं और इस काम से निवृत्त होने के बाद अभी रात के 12 बजे मैं फ्री हुआ हूँ और अब आज इस पावन बेला पर मेरा मन किया कि आपको एक ऐसा मंत्र दिया जाए जो कि सटीक हो, बस एक बार करने से ही जो भी आपका विश हो उसको पूरा कर दे। ये मंत्र तब लगाया जाता है जब सामने वाला जो हो वो रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कि मैसेज करते रहते हैं, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो कि पहली ही बार में काम कर जाए। और मेरे बहुत से ऐसे भोले भोले शिष्य भी हैं, मेरे शुभचिंतक कह लीजिए, जो कि लगे हुए हैं इन साधनाओं में और मुझे अपडेट देते रहते हैं कि गुरुजी अब ये हुआ, इस मंत्र से ये हुआ। तो इससे जो मुझे है थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ वीडियोस और बनाने के लिए। तो मुझे बताए कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, या फिर जो भी आपकी समस्या होती है वो मुझसे साझा कीजिएगा जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपको एक से एक मंत्र दूँ। तो आज का जो मंत्र है वो इतना प्रभावी है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लगभग 11 साल हुए होंगे और मैं राजस्थान में घूमता रहता हूँ। कुछ मेरे विशेष स्थान जो कि मैंने आपको बताए हैं, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया और केदारनाथ हो गया और ये जो बीच में देहरादून का जो जंगल आता है ये हो गया और सिरमौर हो गया, तो इन जगहों पर मैंने तपस्या की है और ये जगहें ऐसी हैं जो कि शक्तियों से भरी पड़ी हैं और शक्तियों के साथ साथ यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, तो उनसे बच बचा कर कैसे भी मैंने ये साधनाएं पूरी की। समय था रात के 2 बजे और जो है मैं अपनी साधना में लगा हुआ था और आप यूं समझिए कि रात के 2 बजे जंगल का जो सन्नाटा होता है वो कैसा होता है। यदि आप एकांत में हो, जंगल में हो, आपके आँखों के आगे जो है बिल्कुल अंधकार छाया हो और उस समय जब आप आँख खोलें और बंद करें तो उसमें कोई खास अंतर आपको ना दिखता हो, ऐसे स्थान पर मैंने साधनाएं की हैं। तो वो समय ऐसा था कि आपका जो दिमाग है वो
कुछ कुछ चीज़ें गढ़ने लग जाता है, या फिर वो मेरे दिमाग ने चलचित्र बनाए थे या फिर वो सच में ही शक्तियाँ थी, ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो भी था अद्भुत था, उसका जो है वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। यदि एक बार उन चीज़ों से साक्षात्कार हो जाए, उनको आप देख लें, तो आप समझ पाएंगे। अभी मैं अगर कुछ कहूँ तो वो समझाने के लायक नहीं होगा। तो बात है देहरादून की। मैं देहरादून के जंगलों में था और वहाँ पर जो है मुझे काले वस्त्र पहने हुए एक योगी मिले। बातों बातों में मैंने उनसे ये मंत्र निकलवाया। बहुत समय लगा, बहुत हमने बातें की और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया। इस मंत्र में इतनी अपार शक्ति है कि पिछले 11 सालों से मैं जिसको भी दे रहा हूँ ये कभी विफल नहीं होता। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये जन कल्याण के लिए थी। और कुछ ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो कि मंद बुद्धि हैं, बिल्कुल ही उनके पास अकल नहीं है। तो हर तरह के लोग होते हैं। इस मंत्र का कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। जितना कुछ है ये गुप्त ज्ञान है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो मंत्र हैं ये आपको यहीं मिलेंगे। और इसके चमत्कार जो हैं आप इसको पूरी दुनिया में कहीं पर भी देख सकते हैं। इस मंत्र का गुम्फन करना है आपने 108 की संख्या में। यदि कोई रूपवती, कोई ऐसी स्त्री आपको दिख गई हो जिसने कि आपकी रात की नींद छीन ली हो और आप जो है सो ना पा रहे हो, खा ना पा रहे हो, पी ना पा रहे हो, उस वक्त उस स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई ऐसी अड़चन आ गई हो या फिर कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में आ गया हो कि इस मंत्र का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, तब आप कीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, आपको आपकी शक्ति का तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि एक तरफ कुआं हो और एक तरफ खाई और आपको कूद कर जाना हो। जब तक आप अपना पूरा समर्पण नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। मंत्र बहुत छोटा सा है और इसमें सावधानियां रहेंगी कि आपको सात्विक रहना है, मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट से दूर रहें और जो है मांस मदिरा का सेवन कतई ना करें। इन सब से दूर होकर, बिल्कुल सात्विक रहकर एक ऐसा स्थान बनाइएगा जहां पर कि आप साधना कर सकें। एक ऐसा हवादार कमरा जिसमें कि धूप आती हो, रोशनी आती हो, और हवादार होना चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, या फिर कोई गुफा हो, कोई ऐसा खंडर हो, या फिर कोई पहाड़ हो, कोई पेड़ हो, कोई नदी तट हो, ऐसी जगहों पर इसकी साधना की जा सकती है। अगर ऐसा कुछ संभव ना हो तो घर पे भी कर सकते हैं। एक स्वच्छ हवादार कमरा हो, पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं और इस मंत्र का 108 की संख्या में सुबह शाम जप करें। जिस भी साध्य व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में रखकर इस मंत्र का गुम्फन किया जाएगा वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। बहुतायत में मैंने इसको करके देखा है और जिस जिस पर ये लगाया है इसने अपना काम बखूबी किया है। मंत्र बहुत ही सरल है, आइए मंत्र जान लेते हैं। तो मंत्र है ओम भूतादये नमः। मंत्र एक बार फिर से ओम भूतादये नमः। ये मंत्र तब किया जाता है जब रिलेशनशिप्स में जो है प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे कि आप किसी भी साध्य को चाहते हो और उससे दूरियां बन रही हो, तो तब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र को शुक्रवार से या फिर बुधवार से आपको शुरू करना है, या फिर कोई ऐसी तिथि हो जब कुछ शुभ हो, जैसे कि कोई अमावस्या हो गई, कोई पूर्णिमा हो गई,
ग्रहण काल हो गया, होली दिवाली होगी, इस पर किया गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसको कम से कम 11 दिन 21 दिन तक आपको सुबह शाम 108 की संख्या में जपना है, और आपको हफ्ते भीतर या फिर 11 दिनों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर असर आपको दिखना शुरू हो जाए 7 दिन के भीतर तो इसको 11 दिन कीजिएगा। जिस दिन से आपको दिखना शुरू करे उसके बाद आपको कम से कम 21 दिन तक इसको पूरा करना है। इसके बाद जो चमत्कार होंगे वो आप खुद देख पाएंगे। मुझे अवश्य बताइएगा 9999841625 पर, और मुझे मेल भी कर सकते हो info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।